दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अंकित मिश्रा है। आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन भारत के सबसे बड़े शख्स जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, आज से 76 साल पहले वो हमारे बीच नहीं रहे थे। आज इस वीडियो पॉडकास्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर महात्मा गांधी का वह दिन कैसा रहा जिस दिन महात्मा गांधी इस दुनिया को छोड़कर विदा हुए थे। महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 का दिन एक आम दिन की तरह ही था। उन्हें नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन होगा। महात्मा गांधी 30 जनवरी को बिड़ला हाउस दिल्ली में ही ठहरे हुए थे। वह रोज़ की तरह सुबह 3:30 पर उठे। उसके बाद उन्होंने दैनिक क्रिया की और सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नींबू और शहद का एक पेय पिया और उसके बाद वह सोने चले गए। जब वह सोकर जागे तो उन्होंने ब्रज कृष्ण से मालिश करवाई। मालिश करवाने के बाद महात्मा गांधी ने उस दिन के अखबार की सुर्खियों पर नज़र डाली और महात्मा गांधी ने अखबार को पढ़ा। महात्मा गांधी से रोज़ की तरह मिलने वालों की उस दिन भी भीड़ लगी हुई थी और महात्मा गांधी से उस दिन मिलने वाले लोगों में दिल्ली के मौलाना थे, शरणार्थी लोग थे और उसमें सिंध प्रांत के सिंधी भाई भी थे जो महात्मा गांधी से मिले। उस दिन महात्मा गांधी से मिलने वाले डरवन के उनके मित्र तैयब सौराब जी भी थे और श्रीलंका के एक राजनायक भी थे। लेकिन इस दिन की सबसे खासम खास मुलाकात थी सरदार पटेल के साथ। सरदार पटेल के साथ महात्मा गांधी की मुलाकात शाम को करीब 4 बजे शुरू होती है और यह मुलाकात इतनी गहरी और गंभीर थी कि उस चर्चा में महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना का समय भी भूल गए। इस बातचीत के दौरान महात्मा गांधी लगातार सूत काटते रहे। उन्हें आभा ने कई बार घड़ी की तरफ इशारा किया लेकिन महात्मा गांधी का ध्यान नहीं गया। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच बिगड़ते संबंधों पर चर्चा की। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस दृढ़ इच्छा शक्ति पर पहुंचा हूं कि इस देश के लिए जवाहर जैसा शख्स बहुत ज़रूरी है और सरदार तुम्हें और पंडित नेहरू को साथ में मिलकर ही भारत की बागडोर को संभालना पड़ेगा और अपने जो भी मतभेद हैं उन्हें भूलकर आगे बढ़ना होगा, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। महात्मा गांधी ने ये बात भी कही कि भारत के सामने जो सांप्रदायिक झगड़ों की समस्या है उसे आपको बैठकर मिलके सुलझाना होगा। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी से ठीक मृत्यु के ठीक 17 दिन पहले एक उनने आमरण अनशन 13 जनवरी को किया था। उस आमरण अनशन का उद्देश्य यही था कि जो पाकिस्तान और भारत की बिगड़ती दशा है उसको ठीक किया जाए और ये अनशन महात्मा गांधी ने 6 दिन तक किया और पाकिस्तान और भारत के राजनीतिक पार्टियों और संस्थागत लोगों के लिखित आश्वासन उस समय के जो कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे उसके बाद ही अनशन को समाप्त किया कि आप लोग इसको ठीक करेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि 29 जनवरी को महात्मा गांधी ने मनु बहन से कहा था कि यदि मेरी मृत्यु एक फुंसी के द्वारा भी हो तो इस संसार को चिल्ला चिल्ला के कहना कि एक महात्मा नहीं है, एक दुरात्मा था। उसके बाद महात्मा गांधी की मुलाकात सरदार पटेल के साथ होती है और ठीक 5:15 पर आभा के द्वारा घड़ी दिखाने पर महात्मा गांधी सरदार पटेल से कहते हैं कि पटेल, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा और प्रार्थना के बाद पंडित नेहरू मुझसे मिलने आएंगे, मैं उनसे इस संबंधों पर ज़रूर बात करूँगा और यदि संभव हुआ तो आज की प्रार्थना सभा में भी मेरी बातचीत का मुख्य अंश सरदार पटेल और पंडित नेहरू की बातचीत पर होगा। महात्मा गांधी बिड़ला हाउस से आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर आगे निकले ही थे कि उन्हें भीड़ ने घेर लिया और भीड़ से एक शख्स जिसका नाम नाथूराम गौडसे था, जो खाकी वर्दी पहने था, भीड़ को चीरते हुए महात्मा गांधी के सामने आता है और प्रणाम करने की मुद्रा में वह
बापू के बगल में आभा और मनु थीं उन्हें धक्का देता है और इतने में आभा के हाथ से बापू का पीकदान, आश्रम भजनावली, तुलसी की माला और बापू का नोटबुक छटक कर गिर जाती है। इतने में महात्मा गांधी ने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़े ही थे कि नाथूराम गौडसे ने अपनी बंदूक से 3 गोली महात्मा गांधी के सीने पर मारी। जैसे ही महात्मा गांधी के सीने पर पहली गोली लगी ही थी कि प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए हाथ अलग हो गए। जैसे ही दूसरी गोली उनके पेट में लगी तो गांधी जी का जो आंग दायना पैर आगे बढ़ने की मुद्रा में था वह वहीं छटक कर बैठ गया और तीसरी गोली लगते ही महात्मा गांधी जमीन पर गिर गए और उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। इस तरीके से महात्मा गांधी 5:17 पर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चिर निद्रा में समाहित हो गए। आभा ने महात्मा गांधी को सिर को अपनी गोदी में रखा था। इतने में ही डॉक्टर बीपी भार्गव वहाँ पहुँचते हैं और वह देखते हैं कि महात्मा गांधी नहीं रहे। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं, गांधी दायरा दैट्स चेंज्ड इन द वर्ल्ड, कि सरदार पटेल अपने घर पहुँचे ही थे और उन्हें जैसे ही इसकी जानकारी लगती है वह अपनी बहन मणि बहन पटेल के साथ वापस बिरला हाउस पहुँचते हैं। वह बड़ी उम्मीद के साथ महात्मा गांधी की कलाई छूते हैं लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर बताते हैं कि महात्मा गांधी तो इस दुनिया को छोड़कर 10 मिनट पहले ही चले गए हैं। इसके ठीक बाद देवदास गांधी, जो महात्मा गांधी के 4th पुत्र थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और प्रार्थना सभा के बाद जैसा कि पंडित नेहरू उनसे मिलने आने वाले थे, वह भी वहाँ पहुँच गए और पूरा भारत गमगीन हो गया। लेकिन ठीक 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो में बड़े साधारण तरीके से इस बात को प्रसारित किया गया और बार बार समाचार बुलेटिन में कहा गया कि महात्मा गांधी को मारने वाला शख्स महात्मा गांधी का सहधर्मी यानी कि हिंदू ही है। ऑल इंडिया रेडियो में बताया गया कि महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसी दौरान रेडियो से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ आती है और वह बड़े मर्माहत और गमगीन शब्दों में कहते हैं कि हमें रोशनी देने वाला प्रकाश सदैव के लिए बुझ गया। उसके बाद सारे दुनिया के लोग अपने शोक संदेश महात्मा गांधी और भारत के प्रति भेजते हैं। पूरी दुनिया से लगभग 3500 संदेश रेडियो और अखबार के माध्यम से मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ध्वज आधा झुका दिया। अगले ही दिन महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे दिल्ली में किया जाना तय हुआ। जब महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की सूचना पूरी दुनिया को मिली उसमें लोग दौड़े चले आए। कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी को अंतिम दर्शन के लिए 2 दिन तक रखना चाहिए लेकिन सारे लोगों ने मना किया कि हिंदू धर्म के यह खिलाफ है और उस समय मौजूद हिंदुओं में सबसे बड़े और महान हिंदू महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के 4th पुत्र देवदास लिखते हैं कि बापू का सौम्य चेहरा देखकर लग रहा था कि उन्हें अभी रखा जाए। ठीक अगले ही दिन 31 जनवरी 1948 को बापू की अंतिम यात्रा बिड़ला हाउस से ठीक 11:20 पर शुरू होती है और यमुना नदी के तट पर पहुंचने में 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 5 घंटे लगते हैं और शाम को 4:20 पर पूरी दुनिया के 15 से 20 लाख लोगों की उपस्थिति में बापू के 3rd पुत्र रामदास गांधी उन्हें मुखाग्नि देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया महात्मा गांधी के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठी हुई हो। उस समय ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार में उपस्थित होने वाले ये सबसे अधिक लोग थे और आज तक भी महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा को याद किया जाता है।
महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार के बाद सारी दुनिया से जो संदेश प्राप्त होते हैं, उन संदेशों में एक संदेश यह भी था कि महात्मा गांधी ईसा के बाद दूसरी वो शख्सियत हैं जो सूली पर चढ़ते समय भगवान के नाम को याद कर रहे थे और पूरी दुनिया को एकता का संदेश दे रहे थे। 2 फरवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में कहते हैं कि यह भारत के लिए सबसे बुरी बात है कि एक भारतीय ने महात्मा गांधी के ऊपर हाथ उठाया। वो कहते हैं एक हिंदुस्तानी के नाते शर्म की बात है कि एक हिंदू ने महात्मा गांधी को मारा। उन्होंने कहा कि यह उस दौरान के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, सबसे बड़े भारतीय और सबसे बड़े हिंदू के साथ ऐसा करना कहाँ तक उचित था। इस तरीके से हम पूरी दुनिया से महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी को खो देते हैं। लेकिन आज भी महात्मा गांधी के विचार हम 76 साल बाद याद करते हैं। आपको पता होगा महात्मा गांधी 125 साल जीना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस धर्म की राजनीति ने ख़त्म कर दिया और महात्मा गांधी सदैव के लिए हमसे विदा हो गए। धन्यवाद।